हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी है सिंधी साई भाजी और भुगल राइज। ये रेसिपी खाने में बहुत लाजवाब होता है। सिंधी स्पेशल ये डिश होता है भुगल राइज, शादी ब्याह में अक्सर लोग बनाते हैं सिंधी लोग। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसको बनाने के लिए 250 ग्राम पालक लिए हैं। सबसे पहले हम सिंधी साई भाजी को बना लेंगे। पालक का जो डंठल वाला हिस्सा होता है, मोटा डंठल, उसे काट के निकाल दिए हैं। अब पालक को काट लेंगे। आप चाहें तो खाली पालक डाल के बना सकते हैं, या तो फिर सेखू, चूका, मेथी और साग भी डाल के बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी। आज हम सिर्फ पालक डाल के ही बनाएंगे। तो इस तरह से झटपट पालक कट के रेडी हो गया है। इसको धो के स्ट्रेनर में रख देते हैं। अब दाल ले लेते हैं। ये चने का दाल है। दाल को धो के एक घंटे पहले पानी में भिगा के रख दिए थे। जब एक घंटे हो गए तो दाल को पानी से बाहर निकाल के धो के बाउल में रख लिए हैं। ये फूल गया है, नाखून से काट रहे हैं तो ये कट रहा है। ये चने का दाल थोड़ा सा पकने में टाइम लेता है, इसीलिए इसे भिगा के रखे थे। चलते हैं गैस की तरफ। इसको पकाने के लिए कुकर में 3 चम्मच ऑयल डाल दिए। ऑयल गर्म हो गया। 2 मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज डाल दिए। अब इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। बहुत देर तक नहीं फ्राई करना है। प्याज गुलाबी कलर का हो गया है। अब इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। कुछ सेकेंड तक मिर्ची को भी फ्राई कर लिए हैं। और 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट रखे हैं, इसे डाल देते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा दरदरा ही पीस के डाल सकते हैं। कुछ सेकेंड तक लहसुन अदरक को भी भून लिए, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। लहसुन अदरक भून गया है। अब इसमें 1 बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर को मिक्स कर लेंगे। कुछ सेकेंड तक टमाटर को भी पकने देंगे। अब कुछ गरम मसाले डाल देते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे कलर के लिए। 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाल देंगे। 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार डालिएगा। 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। ये तीखा कम होता है, इससे कलर बहुत प्यारा आता है। मसालों को मिक्स कर लिए। 3 मिनट तक ढककर पकने दिए। मसाले पक गए हैं, इन्हें अच्छे से भून लिए हैं। टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है। अब जो हम दाल को धो के भिगा के रखे थे, इसको भी इसमें डाल देते हैं। और 2 मिनट तक चने दाल को भी मसाले के साथ मिक्स कर लिए हैं, अच्छे से भून लिए हैं। दाल भुनने से अच्छा टेस्ट आता है। दाल भुनने के बाद जो पालक हम धो के रखे हैं, इसे भी डाल देंगे। पालक अभी देखने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब ये पकेगा तो गल के थोड़ा सा हो जाता है। पालक को भी मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट तक दाल मसालों के साथ पालक को भी भून लेंगे। इससे भी बहुत टेस्टी साई भाजी बन के तैयार होता है। तो पालक, दाल, सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए पालक थोड़ा कम हो गया है, अब और ज़्यादा कम हो गया है। पालक भी अच्छे से भून गया है। अब दाल को गलने के लिए इसमें पानी डालेंगे। पानी हम 1/2 ग्लास ही डालेंगे, क्योंकि ये साई भाजी थोड़ा गाढ़ा ही रहता है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। पानी डालने के बाद मिक्स कर लेते हैं। पानी आप अपने अंदाज से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुकर में ढक्कन लगा देंगे। 5 सीटी तक मीडियम फ्लेम पर दाल को गलने देंगे। 1 गिलास चावल ले लेंगे। आपको जितना चावल पकाना हो उतना ले लीजिए। ये छोटा वाला चावल है, जो कि हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। ये भी महीन चावल है। आप चाहें तो बासमती बड़ा वाला चावल भी ले सकते हैं। बड़े चावल का बनाइए या छोटे चावल का, बहुत टेस्टी भुगल चावल बन के तैयार होता है। अब चावल को 2-3 पानी तक धो लेंगे। ये छोटा चावल है, इसलिए इसे बहुत देर तक नहीं भिगाना रहता है। कम ही समय में ये फूल जाता है। चावल अच्छे से धुल गया। अब इसमें पानी डाल देंगे और 20 मिनट तक चावल को फूलने देंगे। कुकर 5 सीटी ले लिया है। अब गैस को बंद कर देते हैं, प्रेशर निकलने का इंतज़ार करते हैं। कुकर से प्रेशर निकल गया है। अब दाल को देख लेते हैं। अभी इसे कलछुल से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी दाल पानी थोड़ा सा अलग अलग लग रहा है, लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए। हमको गाढ़ा गाढ़ा मिला हुआ दाल चाहिए। तो इस तरह से चाहे आप घुटनी ले लीजिए
जिसे मथनी कहते हैं, या कलछुल से ही इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा देर तक इसे बराबर चलाते रहेंगे, 3-4 मिनट तक, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, जिससे कि दाल भी खड़ा खड़ा रहेगा और दाल गल भी गया है, सॉफ्ट हो गया है, साग भी मिक्स हो गया है, साग भी दिख रहा है। तो जैसा हमको दाल साग चाह रहा था वैसा परफेक्ट है। ये गाढ़ा गाढ़ा साग दाल बनके तैयार है। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए गैस पर एक पैन गरम होने के लिए रख देंगे। इसमें ऑयल डाल देंगे, ऑयल को गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो गया तो 3-4 कली लहसुन का काट के डाल दिए हैं। गैस का फ्लेम लो रखे हैं। लहसुन को थोड़ी देर तक चलाएंगे। लहसुन को बहुत देर तक फ्राई नहीं करना है, थोड़ी देर में ही ये गुलाबी कलर का हो जाता है। लहसुन गुलाबी कलर का हो गया है, अब गैस को बंद कर देंगे। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। ध्यान रहे कि गैस को बंद करके ही डालना है। इस तरह से मिक्स कर दिए, तड़का तैयार हो गया है। अब दाल में तड़का लगा देंगे, जिससे कि दाल देखने में भी प्यारा लगेगा और खाने में भी बहुत लाजवाब लगेगा। अभी दाल को ढक के रख देते हैं। अब चलते हैं भुगल राइस बनाने के लिए। सिंधी लोग अक्सर सिकड़ी में बनाते हैं, हम पतीली में बना रहे हैं। गैस पर पतीली गर्म हो गया और उसमें 3 चम्मच ऑयल डाल दिए। ऑयल गर्म हो गया, 4 काली मिर्च डाल दिए, 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल दिए, 1 तेज़पत्ता डाल दिए। इन सब चीज़ों को चटकने दिए। 1 बड़े साइज का कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज थोड़ा सा महीन ही काटेंगे, थोड़ा देर तक इनको हमें फ्राई करना है। अब इस स्टेज पे बराबर चलाते हुए फ्राई करेंगे, जिससे कि ये गोल्डन कलर का हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ हमें इससे चूक होगा तो ये जल जाएगा, या तो कच्चा रह जाएगा कोई प्याज, या कोई प्याज फ्राई हो जाएगा। देखिए बराबर चलाते हुए गोल्डन कलर का सभी प्याज को फ्राई कर लिए हैं, अच्छे से फ्राई हो गया। 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल दिए। इन्हें भी कुछ सेकेंड के लिए भून लिए, बहुत देर तक मिर्ची को नहीं भूनना है। 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी डाल देंगे। बहुत लोग अंदाज से पानी डाल देते हैं। 1/4 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। नमक को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि दाल में भी नमक है। अब अच्छे से नमक को मिक्स कर लिए। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, पानी को ढक देंगे और खौलने देंगे। पानी खौलने लगा है अच्छे से। जो चावल हम भिगा के रखे हैं उसका पानी गिरा दिए और खौलते हुए पानी में चावल को डाल देंगे। अभी गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे, अभी मीडियम या लो नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पर थोड़ा देर चावल पकेगा तो बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। चावल डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं और 2-3 मिनट तक इसे ढककर नहीं लगाएंगे, इसी तरह इसको पकने देंगे। चावल को खुला पकते हुए 3 मिनट हो गया है, अब इसे ढक देंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर कम से कम 10 मिनट तक चावल को पकने देंगे। अच्छे से 10 मिनट में ये तैयार हो जाता है, क्योंकि ये छोटा चावल है। चावल को पकते हुए 10 मिनट हो गया, गैस को बंद कर दिए। चावल को देख लेते हैं, चावल से खुशबू तो बहुत अच्छा आ रहा है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। इस तरह से देखिए पलटनी से या कलछुल से पलट लेंगे तो ये छोटा चावल है, फिर भी खिला खिला तैयार हुआ है। गैस को बंद कर देंगे, थोड़ी देर तक चावल को ढक देंगे। दाल चावल बन के रेडी हो गया है, अब इसे सर्व कर लेंगे। तो इस तरह से झटपट सिंधी साई भाजी सर्व हो गया। इसे आप चाहें तो रोटी, सिंपल चावल, पराठा के साथ भी खा सकते हैं, जिस चीज़ से मन करे। ये साई भाजी बनने में बहुत समय नहीं लेता है, झटपट बन के तैयार हो जाता है। अब भुगल चावल को भी सर्व कर लेते हैं। तो ये सिंधी साई भाजी भुगल राइस खाने के लिए रेडी है। तो इस तरह से एक बार इस डिश को आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर, कमेंट करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।